वही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस व सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने हिगमेटा के जंगल में दो नक्सलियों को मार गिराया, साथ ही नक्सलियों के कैंप को भी ध्वस्त कर दिया। वही टीम ने आसपास के इलाकों में सर्चिंग के दौरान टिफिन बम, डेटोनेटर, मैकेनिज्म, जेलिटिनिक स्टिक, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज सहित कई अन्य अवैध सामग्री बरामद की। बीजापुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। जिला बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत कल दिनांक 15 तीन 2024 को थाना बेदरे के हिंगमेटा के जंगलों में इंद्रावती एरिया कमेटी के प्लाटो नंबर 16 के कमांडर मल्लेश, मार डिवीजन के कंपनी नंबर 1 के कमांडर अरुण की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई। इनकी उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर और थाना बेदरे का संयुक्त बल अभियान हेतु रवाना किया गया। अभियान के दौरान हिंगमेटा के जंगलों में नक्सलियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान दो माओवादियों का शव बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली। सघन रूप से चेक करने पर आसपास माओवादियों के कैंप को ध्वस्त किया गया। भेड़ के उपरांत उस स्थान की सघन चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान दो माओवादियों के शव, दो भरमार बंदूक, एक टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर एवं उनके अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई। वर्तमान में शव को जिला बीजापुर लाकर उसका पीएम कराया जाकर अग्रिम विधायक कार्रवाई की जा रही है।